नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम नट्टू के साथ में आ गए हैं, गुजरात का एक फेमस पार्क है वंडर वर्ल्ड, सेवन वंडर वर्ल्ड। तो विश्व के जो सात आश्चर्य हैं यहाँ पे बनाया गया है, वही चलते एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। चलो नट्टू, आज हम आ गए वंडरफुल। देखिए मेरे पापा टिकट खरीद रहे हैं, तो आइए आइए थोड़ा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने टिकट काउंटर पे चले गए हैं और टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक टिकट 50 रुपये का पड़ रहा है और थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन देखते हैं क्या है अंदर में। और ये चार्ट देख लीजिए, 50 रुपये का टिकट। जब आप टिकट ले लेंगे तो आपके हाथ में ऐसा बांध दिया जाएगा, जो कि पहचान रहेगा, उसको निकालना नहीं होता है। तो पहली बार हम आए हैं सेवन वंडर पार्क, जो कि कानन पेंडारी चिड़ियाघर है उसके बिल्कुल पास में है। और बाहर में ये अच्छे मूर्ति बने हुए हैं और अब हम अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सामने का लुक है। ये देखिए बना हुआ है, ये जस्ट गेट में ही बना हुआ है और बगल में कैफेटेरिया है जहाँ पे आप नाश्ता चाय कर सकते हैं। और बगल में बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बगल में बैडमिंटन खेल रहे हैं और बिल्कुल हमको सामने ताजमहल दिख रहा है। तो पहला हमारा जो वंडर वर्ल्ड का पहला जो है ताजमहल जस्ट पास हो चुके हैं। रास्ते में साइकिल मिल गया है बच्चों का, ये देखिए, तो उसको चढ़ने का प्रयास कर रहा है। और हम पहुंच गए हैं ताजमहल पे, जो कि बनाया गया है सेवन वंडर पार्क बिलासपुर में। आवाज तो तुम्हारा सिर। और ताजमहल देखने के बाद हम दूसरे जगह पे पहुंचने के लिए देखते हैं, तो एक पानी का तालाब बना हुआ है छोटा सा। ये देखिए ताजमहल के बारे में कुछ बताया गया है। और यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए है, थोड़ा सा एंजॉय किए। और हम लोग पहुँच गए सेकेंड डेस्टिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टायरों से बना हुआ रिलैक्सिंग कुर्सी टाइप का बनाया गया है, जिसको थोड़ा सा हम आराम करते हैं। तो ये है माचू पिचू, दक्षिण अमेरिका में है ये माचू पिचू। तो ये भी एक वंडर वर्ल्ड में आता है। चाइना का दीवार, चीन की दीवार है। चीन में ना बहुत लंबा, लगभग कितना 8,850 किलोमीटर लंबा एक दीवार है चीन में, चाइना में। हाँ तो इसको बनाए हैं ऐसा, किस प्रकार का दीवार, किस प्रकार का दीवार दिखता है। ये कहाँ पे है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है ये, है ना। तो ये कोनकुआ पहाड़ी को ऊपर करके ये ऐसा मूर्ति है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, रस्सी के सहारे चलना है। और मैं वो एडवेंचर करने के लिए तैयार था और रस्सी पे बहुत डरते डरते चल रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं था रस्सी के ऊपर चलने का। हालांकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था और मैं काफ़ी डरते डरते फाइनली पहुंच गया और मैं यहीं से उतर गया, आगे जाने का हिम्मत नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने झूला झूलने का भी मज़ा लिया और
जैसे जलाल के बाहर निकले तो ये दो हंसों का जोड़ा हर बार हमारे सामने आ जाता था। बहुत अच्छा लगता है, ये हंस घूमते रहते हैं गार्डन पे। उसके बाद जो भी आसपास में बच्चों के लिए झूलने के लिए और भी कुछ रखे गए हैं खेलने के लिए। और हमारा ये आखिरी सेवन वंडर्स का स्थान है, पेट्रा इसका नाम है। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम धनुष तीर मारने चले जाते हैं और अपना निशाना लगाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना उसका निशाना है। और मैंने निशाना लगा दिया और निशाना बिल्कुल भी नहीं लगा, तो समझ गया मैं कितना बड़ा तीरंदाज हूँ। और यहाँ पे बच्चों का टॉय कार भी है और यहाँ पे छोटा के बाद हम निकल पड़ेंगे। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत